नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। योग गुरु बाबा रामदेव के नमाज को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा नमाज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का काम योग का है, योग के लिए ही वह जाने जाते हैं, उन्हें उस पर काम करना चाहिए, इस तरह के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वह इस तरह के बयान ना दे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने के 7 दिन हो चुके हैं। इस दौरान आज धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से बाबा रामदेव के द्वारा नमाज पर दिए गए बयान को लेकर बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर उन्हें बात करनी है तो देश के विकास की बात करें, जो हुनर उनके पास है योग का वह योग की बात करें, जो प्रोडक्ट वह बनाते हैं उसकी बात करें। राकेश टिकैत की माने तो हम दिन तो अब सब भूल गए हैं, दिन गिन के क्या धरने खत्म होते हैं, धरने खत्म होते हैं बात करके। हम यहाँ इसलिए थोड़ा ना बैठे हैं कि इतने दिन पूरे हो जाएंगे और हम चले जाएंगे। सरकार बातचीत का रास्ता खोले, बातचीत के बगैर किसान नहीं जाएंगे। दिन दान सब भूल गए, कौन सा दिन, अब दिन गिन के को धरने खत्म हो, धरने खत्म हो बात करके, दिनों के लिए थोड़ा बैठे यहाँ पे, एक दिन पूरे हो जाएंगे हम चले जाएंगे। अधिकारी सरकारें बातचीत का रास्ता खोल रहे, बगैर बातचीत के किसान नहीं जाएगा वापसी। धरने चल रहा है लेकिन भीड़ नहीं आ रही, कम भीड़ आ रही है, क्या कौन कह रहा है राज्यों की किसानों की मदद, कौन कह रहा भीड़ कम है? अच्छा, भीड़ का करे क्या यहाँ पे, भीड़ का करेंगे क्या, वो भीड़ ज्यादा भीड़ा होगी, सींग मारेगी एक दूसरे का, जितनी जरूरत है उतनी आती रहती है और लोग जाते रहे, आ रहे अपना जाते रहे। ठीक है सर, बाबा रामदेव ने नमाज को लेकर बयान दिया, उनका कहना है कि नमाज का मतलब तो यह है कि लड़कियों को उठाओ, वो भी हिंदुओं की, क्या कहेंगे भाई? एक गलत सलत बयान पर तो भाई दे देंगे, नए देश उस तरफ अब जाना चाहता, तो संत महात्मा है जो कहेंगे तो उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब क्लियर। भाई वे भी उसी लाइन पे चल रहे जिस पर दूसरे चलने लगे, बीजेपी वाले। हाँ तो ये नहीं, अरे देश में विकास की बात करो, उन्हें जो काम दे रखा ऊपर लेवल ने, जो उन्हें हुनर दिया, वे योग की बात करो, उनमें जो प्रोडक्ट बनावे उसकी बात करो, या सरकारों से इतने भी हो गए क्या कि हर आदमी इसी पे ही चलने लगा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कहीं तो इसे देश को इसको समाज को छोड़ देंगे। उनका जो काम है सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, यही देश में वो नहीं रहा है कि इन्हीं चीज़ों पर आप बात करोगे। क्या लग रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है को लेकर, अब नमाज को लेकर भी बयानबाजी? ये चलेंगी क्योंकि इलेक्शन आ रहा, तो सब लोग जो उस वक्त के विचारधारा के लोग हैं उस तरह की बात करेंगे। भाई गन्ने पे भी दे दे, जो और फसल है उस पे भी दे दे, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस पे भी बयान देने चाहिए। सड़क का क्या हाल है उस पर होना चाहिए, हॉस्पिटल की क्या सुविधा है उस पर बयान चलाना चाहिए, सबको उस तरफ ध्यान करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, हम उन्हें कहेंगे कि इस तरह के उसमें नहीं, उनकी एक ठीक उनका वो है, उनका ये काम नहीं है, उनका काम योग का है, योग के उसमें ही जाने जाते हैं, उसी पे ही उनको काम करना चाहिए और उसमें सभी लोग वहाँ पे योग करते हैं, उसके उसमें वे किसी के उसमें इस तरह का बयान ना दे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।